जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि आप आर्थिक कष्ट भुगत रहे हो, बहुत से मनुष्य भुगतते हैं, यदि आपके घर पे पैसे की कमी हो तो उसको दूर करने के लिए अब जो कल से नया महीना लगने वाला है, जिसको मार्गशीर्ष मास कहा जाता है, कल से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि आप गरीबी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, पैसे की तंगी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, कर्ज का ब्याज भरते भरते आप परेशान हो गए हो और बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती हो, तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की रात से अपने पूजा के कमरे में, जिनको आपने गुरु बनाया है उनका गुरुदेव का विशेष पूजन करें, चाहे मानसिक करें परंतु पूजन अवश्य करें। एक दीपक अच्छा सा जलाएं, फिर भगवान विष्णु का स्मरण करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, ये मंत्र बोल करके श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। फिर भगवान श्री कृष्ण जी के या विष्णु जी के 6 मंत्र आपको बोलना है। ओम विश्व वानराय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम हवि भुर्जे नमः, ओम द्राविणोदाय नमः, ओम संवर्ताय नमः, ओम ज्वलनाय नमः। इस प्रकार से ये 6 मंत्र आपको बोलना है, इनका स्मरण करते रहें तो आपकी काफ़ी कुछ हद तक समस्या दूर हो सकती है। ऐसा रोज करना है और जब ये कार्य करें तो कपूर जलाना ना भूलें। कपूर आपको जलाना ही जलाना है, दीपक आपको लगाना ही लगाना है। और ऐसा करने से और कपूर का दीपक लगाने से मार्गशीर्ष मास में यदि पूरे महीने भर कपूर जलता है तो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और आपके कुल का उद्धार हो सकता है। इसलिए रात को ही पूजन करना है, गुरु का पूजन करें, दीपक अगरबत्ती धूप दीप वगैरह लगाएं, श्री भगवान विष्णु का ध्यान करें और जो हमने मंत्र बोले हैं ये मंत्र आपको स्मरण करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक नींद न आ जाए। आपकी दरिद्रता का निवारण अवश्य होगा। जय माँ, माँ भगवती महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करें और श्री हरि विष्णु भी आपके ऊपर कृपा करें, ऐसी कामना हम करते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। कोई भी मंत्र आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है आपको इस मार्गशीर्ष मास में। जय माता दी।